हर साल इंडिया एवरेज 1500 से 2000 मूवीज प्रोड्यूस करता है, जो यूएसए, कनाडा, साउथ कोरिया, चाइना मिलाकर भी नहीं है। लेकिन फिर भी बड़े बड़े फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल अवार्ड्स में आपको इंडिया की मुश्किल से 5 साल में एक या दो मूवी मिलेगी, क्योंकि भीड़ से हटकर कोई हटके मूवी हमारे सामने आती है तो हम उसे कभी अपनाते नहीं है। इसका सीरियस ब्लेम अगर किसी पे डालना है तो वो हम खुद है। क्योंकि जब अपने ही अवार्ड में हम अपनी मूवीज को अप्रिशिएट नहीं करते तो इंटरनेशनल लेवल पर जाके इंडिया का नाम कमाना तो दूर की बात। हरामी हो तुम लोग। और गलती से भी ये मत सोचना कि इंडिया क्वालिटी कंटेंट बना ही नहीं पाता, क्योंकि ये वीडियो टॉप 10 इंडियन मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन का 5th पार्ट है। आपकी स्क्रीन पर हमारे लास्ट टॉप 10 इंडियन मूवीज की लिस्ट है। ऐसी ही बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवीज के लिए आइए हमारे इंस्टाग्राम आईडी @abhi_review पर। तो अभी का रिव्यू हम करेंगे टॉप 10 इंडियन मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन पार्ट 5। आई एम अ चैंपियन। इतना चिल्लाने का क्या जरूरत है, रेजिडेंशियल है रे, चुप चुप बैठो। नंबर 10 पे एक्शन जॉनरा को रीडिफाइन करने का पहला कदम। अगर आप एक्शन मूवीज को अप्रिशिएट करते हो तो ही ये मूवी आपको समझ और पसंद आएगी। 2019 की एक्शन कॉमेडी नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है मर्द को दर्द नहीं होता। बॉलीवुड मूवी है तो उसमें लड़की को बचाना होगा, वो थोड़ी एक्शन करेगी। बचाओ, प्लीज बचाओ, कोई है। ऐसे स्टीरियोटाइप को तोड़ मरोड़ के रख दिया इस मूवी ने। राधिका मदन, गुलशन देवाई ने चीर फाड़ एक्टिंग की है इसमें। नंबर 9 पे मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आप सभी के लिए, 2020 की मलयालम मूवी अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है ट्रांस। इस मूवी ने मुझे फहद फाजिल की एक्टिंग और मलयालम मूवीज का बहुत बड़ा फैन बना दिया। किस तरह एक मोटिवेशनल स्पीकर को कड़ी ट्रेनिंग देकर धर्म के नाम पे लोगों को फंसाने के लिए तैयार किया जाता है, और उसके बाद कैसे विजू की लाइफ रोलर कोस्टर की तरह अप्स एंड डाउन से गुजरती है। इसके बावजूद मूवी का सेकेंड हाफ थोड़ा खींचा हुआ लगेगा, इसीलिए नंबर 9 पर है। लेकिन इस मूवी की स्टोरी टेलिंग और सभी एक्टर्स की एक्टिंग आपके दिमाग से कई दिनों तक नहीं निकलेगी। नंबर 8 पे एक रियल लाइफ चोर के कहानी से इंस्पायर्ड 2008 की कॉमेडी ड्रामा नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है ओए लक्की लक्की ओए। बिंदास बेधड़क और फुल स्वैग में लक्की बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में चोरी करता है। अभय देओल ने बहुत ही कम लेकिन मास्टरपीस मूवीज में काम किया है, और वर्सेटाइल परेश रावल की एक्टिंग, सुपर चोर की ये हटके कहानी आपको डेफिनेटली एक बार ट्राई करना चाहिए। नंबर 7 पे नेशनल अवार्ड विनर अविनाश अरुण की 2014 की नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है मराठी मूवी किल्ला। रियलिस्टिक मूवी विद 0% फैंटेसी। 11 साल का लड़का अपने फादर की डेथ के बाद नई जगह पर नए दोस्त बनाता है, और ये मासूम दिमाग किस तरह से बदलता है बचपन में होने वाली घटनाओं से। इन शॉर्ट ये मूवी में इतना पावर है कि स्क्रीन से आपके अंदर उतर जाएगी। एक बार इसकी ब्यूटीफुल सिनेमेटोग्राफी के लिए जरूर देखना। कुछ मूवीज मैं आपको रेकमेंड करता हूं और कुछ कमेंट सेशन में आप हम सबको रेकमेंड करते हैं। थैंक यू सो मच जिन्होंने इस मूवी को रेकमेंड किया मुझे। 2019 की रोमांस ड्रामा moviesend.com पर अवेलेबल है असामी मूवी अमिस। खाने पर शुरू हुआ दो लोगों का एक प्यार एडवेंचर इस जर्नी पे जाते जाते किस तरह डार्क टर्न लेता है। इन शॉर्ट पहले आप इस मूवी से दिल से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये मूवी आपके दिमाग पे हावी होने लगती है। नंबर 5 पे मूवी नहीं लेकिन मास्टरपीस है मराठी बायोपिक ड्रामा यूट्यूब पर अवेलेबल है 2018 की आनी डॉक्टर काशीनाथ घानेकर। सुबोध भावे मराठी मूवीज के लियोनार्डो डिकैप्रियो, वो जिस भी रोल को करते हैं उसके बाद आप किसी और को उस कैरेक्टर में इमेजिन ही नहीं कर सकते। मराठी थिएटर्स का सुपरस्टार एक डेंटल सर्जन किस तरह अपने लाइफ में सक्सेस और फेलियर को हैंडल करता है। सबसे अच्छी बात, परियों की कहानी वाला इंस्पिरेशन आपको इसमें नहीं देखने मिलेगा, एकदम रॉ और रियल इंस्पिरेशन। अपने नाने एकदम खनखनीत वास्ते, इंटरव्यू एकदम टॉप, एकदम। नंबर 4 की मूवी के बाद मैंने गुजराती मूवीज को सीरियसली लेना शुरू किया। 2015 की कॉमेडी ड्रामा अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है छेलो दिवस। 8 दोस्तों के कॉलेज के लास्ट ईयर की एडवेंचरस कहानी। इन 8 दोस्तों में आपको अपने जैसा कोई कैरेक्टर जरूर मिल जाएगा। शुरुआत के 15-20 मिनट थोड़ी सीरियस और स्लो जरूर है, लेकिन जैसे ही मूवी का प्लॉट कॉलेज लाइफ पे शुरू होता है, हंसा हंसा कर आपको इतना दर्द देगी कि आपकी किडनी फेल कर देगी ये मूवी। टॉप 3 मूवीज से पहले अगर आप भी मेरी तरह अपने आप को मूवीज में ढूंढते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। नंबर 3 की मूवी ने मुझे सिखाया कि सुसाइड ही लाइफ का आखिरी ऑप्शन नहीं है। 2019 की कॉमेडी ड्रामा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है छिछोरे। चाहे जो घटना हुई हो, मैंने तो इस मूवी से जो सीखा है वो हमेशा लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगा। दंगल के डायरेक्टर नितिश तिवारी इंस्पिरेशनल मूवीज बनाने के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। अगर आपने हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस किया तो ये मूवी आपके लिए खुद की डॉक्यूमेंट्री समझ लो। कौन कहता है कि 100 करोड़ की फिल्म से बड़े सुपरस्टार्स की हो सकती है। 50 करोड़ की इस मूवी ने 250 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस किया है। आप बस हमारे लिए अच्छी मूवीज लाते रहो, देखो फिर कैसे स्टारडम खत्म होगा और मूवी सिर्फ और सिर्फ अपने कंटेंट के बलबूते पे चलेगी। साले लूजर्स, मैं लूजर होगा तेरा बाप। ओ साली कमो, तू मैन की टक्की कुत्ते की लेडी।
मैन। नंबर टू पे 2019 की सबसे लंबी हिस्टोरिक एक्शन एडवेंचर ड्रामा 2019 की कन्नड़ा मूवी अवनी श्रीमन नारायणा। आप चाहे इसे किसी भी हॉलीवुड की रेट्रो मूवी से कंपेयर करो, लेकिन फिर भी इस मूवी का कंटेंट रियल और फ्रेश है। एक्शन सीन्स के वह कैमरा एंगल हो या सिनेमेटोग्राफी, धूल मिट्टी से भरा रफ एंड टफ लुक और इस मूवी की अपनी ही एक फैंटेसी दुनिया, ये सब देखकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इंडिया की मूवी है। नंबर वन पे राइटर एंड डायरेक्टर वित्रीमारन की एक और मास्टरपीस, तमिल की 2018 की एक्शन क्राइम यूट्यूब पर हिंदी में अवेलेबल है वाड़ा चेन्नई। एक घटिया और चीप हिंदी डबिंग करके इस मूवी की पूरी बैंड बजाने की कोशिश की है, लेकिन इसके बावजूद ये मूवी सिर्फ और सिर्फ अपने फ्रेश और यूनिक कंटेंट की वजह से आपके दिल पे राज करेगी। एक भोला भाला सीधा साधा कैरम प्लेयर दो लोकल गैंगस्टर के बीच में कैसे पीसा जाता है, और इस भोलेपन के पीछे शातिर और डेयरिंग वाला दिमाग, आधी से ज्यादा मूवी एक जेल के अंदर शूट की है। कुछ टाइम के बाद तो आपको लगने लगेगा कि मैं खुद भी जेल में हूँ। धनुष और वित्रीमारन सर की जोड़ी जब मिल जाती है तो ब्लास्ट होता है, एक्सप्लोजन होता है। ऐसी ही चीर फाड़ इस मूवी को अगर पॉसिबल हो सके तो तमिल में ही देखिएगा, अमेजोन प्राइम पर अवेलेबल है। और अगर इस वीडियो ने 15,000 लाइक्स पूरे किए तो इंडियन मूवीज बियॉन्ड इमेजिनेशन का 6th पार्ट शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होने की पूरी गारंटी मैं लेता हूँ। अगर आप भी मेरी तरह अच्छी मूवीज और वेब सीरीज हमेशा ढूंढते रहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। हम सब वेट करेंगे आपका कमेंट सेशन में आपकी मूवी बियॉन्ड इमेजिनेशन जानने के लिए। इस वीडियो की लिस्ट के साथ मिलूंगा आपसे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।